नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाव ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत है, फटाफट रख देते हैं आपके सामने। एसजीएक्स निफ्टी 50 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ 18,860 के पास पहुंच गया है। वहां पर मजबूती के साथ हो रहा है कारोबार। हल्की सी नरमी डाउ फ्यूचर्स में देखी जा रही है, 30 अंक नीचे है इस समय। नैसडैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर 15,000 के करीब 68 से 69 अंकों की कमजोरी फिलहाल तो नजर आ रही है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालते हैं तो जापानीज मार्केट निके 200 अंकों से अधिक की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और अभी तक तो जितने मार्केट्स भी खुले हैं आधे से 1% की स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। प्रेशर हमने कल कमोडिटी मार्केट्स में बनता हुआ देखा, जहां पर सोना हमने देखा वापस से 3 महीने के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। $10 की गिरावट वहां दिखी। कच्चा तेल आ गया है फिर से नीचे 2 हफ्तों के निचले स्तर पर और बेस मेटल्स में भी हमने कुछ अब कह सकते हैं मिक्स पैक ट्रेड ही बनता हुआ देखा। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग दमदार नंबर्स हमने कल आते हुए देखे, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखे, मार्केट ने उसे कैसे रीड किया है और अब कैसा रिएक्शन आगे दिखेगा? अच्छा मूड हो गया है मार्केट का। एक कल बात भी कर रहे थे अनिल जी, जब अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे थे कि लग रहा है कि अब जो बाजार में एक करेक्शन आना था वो हो चुका है। हमारे बाजार में बढ़िया रीबाउंड आपने देखा और ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको एक अच्छा मूड आते हुए दिख रहा है। अमेरिकी बाजार भी जो पिछले 6 दिनों से आपको सुस्ती का माहौल दिखा रहे थे, वहां पर भी एक बढ़िया सस्टेनेबल अच्छा वाला रीबाउंड आते हुए दिखा है। ब्रॉड बेस्ड रैली आपने अमेरिकी बाजारों में जहाँ पर देखी है। डाउ की तो 6 दिन की गिरावट पर आपने ब्रेक लगते हुए देखा है, 200 अंकों से ज़्यादा का उछाल कल आया है। आईटी जहाँ पर हम देख रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ से वीकनेस ज़्यादा आपको आती हुई दिख रही थी, यहाँ पर लीडरशिप कल लौटती हुई आई है। तो आईटी सबसे ज़्यादा गिर रहा था, कल आईटी सबसे ज़्यादा ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है, 2.25% ऊपर आपको नैसडैक आते हुए दिखा। दिग्गज आईटी सेमीकंडक्टर शेयर्स दोनों में आपने खरीदारी देखी और फिर ब्रॉडर मार्केट का एक्शन देखिए। S&P 500 यहां पर आपने 1% 1.25% का उछाल देखा है। रसल 2000 जिसने परसों की सुस्ती में भी होल्ड आउट करा था, कल 1.5% ये भी ऊपर आते हुए दिखा है। तो ब्रॉडर मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अच्छा रहा, बट ओवरऑल कल US बाजारों का मूड बहुत ही बेहतर आपको आते हुए दिखा। और इस मूड को सुधारने के लिए भी कुछ फैक्टर्स थे जिनका योगदान था। जो इकोनॉमिक डेटा आया है, 2-3 डेटा जो कल हम ट्रैक कर रहे थे, सारे के सारे अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिखे। तो ये जो डेटा है ये एक कॉन्फिडेंस बाजार को दे रहा है कि जो मंदी का डर है, आगे फेड रेट्स बढ़ाने वाला, ये क्लियर संकेत आ चुके हैं। उसके बावजूद जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार है और जो डेटा आया है वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो मई महीने के कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स आए थे, यहाँ पर 2.25% की बढ़त थी, अनुमान 1% गिरने का था, तो -1% के सामने आपने 1.7% की ग्रोथ देखी है। ये काफ़ी बढ़िया एक्शन यहाँ पर आते हुए दिखा। उसके बाद आप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा देखिए, ये काफ़ी मजबूत आया। इनफैक्ट 1.5 साल में सबसे मजबूत आपका कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया है। तो इस पिछले 1.5 साल में आपने 5.25% की रेट हाइक्स देख ली है अमेरिका में, बट उसके बावजूद आपका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो तब से अब तक के हाईएस्ट लेवल पर आपको आते हुए दिखा है। नए घरों की बिक्री का आंकड़ा आते हुए दिखा, 6,65,000 का अनुमान था, उसके सामने 7,65,000 घर बेचे गए हैं। तो बहुत ही बढ़िया आंकड़ा आपको आते हुए दिखा, अनुमान से 1,00,000 घर ज्यादा बेचे गए हैं नए घरों की बिक्री की अगर आप बात करें। तो ये तीनों जो डेटा पॉइंट्स आए वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी में काफी स्ट्रेंथ है। रेट हाइक्स जो अब तक हो चुकी है और आगे होने की संभावना है, उसके बावजूद जो बाजार का मूड है, जो कंज्यूमर का मूड है और जो इकोनॉमी में स्ट्रेंथ है वो अभी भी बरकरार है और इसकी वजह से बाजार में आपको तेजी लौटती हुई देखी। थोड़ा कल बॉन्ड यील्ड आपके लिए बढ़कर आई है, 3.76% पर आ गई है, क्योंकि बाजार तैयार हो रहे हैं कि अब ये जो डेटा मजबूती दिखा रहा है, क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जुलाई में जो फेड है वो रेट हाइक्स कर सकता है। अभी भी 75% जानकार मान रहे हैं कि जुलाई पॉलिसी में 1/4% रेट हाइक होगी। इसकी थोड़ी क्लैरिटी आज आपको मिल सकती है क्योंकि फेड के चेयरमैन जो हैं जेरोम पावेल साहब, वो ECB का एक सेंट्रल बैंकिंग फोरम चल रहा है फिलहाल यूरोप में, वहाँ पर ये कुछ भाषण देने वाले हैं। तो वहाँ पर आगे का आउटलुक क्या देते हैं इकोनॉमी पर, रेट्स पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कॉमेंट्री आज आपके लिए आने वाली है और साथ ही पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फेड जब अपनी पॉलिसी बताता है तो इस डेटा को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता है, ये 4.4% से बढ़कर 4.6% पर आ सकता है। तो ये दो की फैक्टर्स हैं जिस पर आज शाम आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। यूरोप में आपने हल्की बढ़त देखी है, कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं हुआ था। कच्चा तेल कल 2% गिरा है, ब्रेंट वापस आपको $72 पर आते हुए दिख रहा है। तो जितनी भी ब्रेंट की रैली हुई थी, रीसेंट रैली, वो वापस उसी लेवल के आसपास आपको आते हुए दिख रहा है।
मांग घटने की आशंका है सेंट्रल बैंक्स की तरफ से और रेट्स बढ़ने की संभावना है। जैसे मैं फेड की बात तो कर ही रहा था, ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंकिंग फोरम है इसमें क्रिस्टीन लगार्ड जो ईसीबी की चेयरमैन है उन्होंने भी कल बयान दिया है और वो कह रही हैं कि अब उन्हें लग रहा है कि इन्फ्लेशन काफ़ी लंबे समय तक स्टिकी रहने वाला है, यानी कि इन्हीं लेवल्स के आसपास रहने वाला है। तो जो इन्फ्लेशन की चिंता है उस पर अभी भी आपके लिए सख्त कमेंट्री आ रही है, तो इसका इम्पैक्ट आपने कल कच्चे तेल में देखा है जहां पर डर है कि मांग आपको गिरते हुए दिख सकती है। सोना चांदी दायरे में थे, बेस मेटल्स में आपने अच्छी रैली देखी है, सिर्फ कॉपर एक था जो कमज़ोर था, बाकी सारे बेस मेटल्स में आपने अच्छी मूव देखी है। कॉपर दो हफ्तों के निचले स्तर पर लुढ़क चुका है। एग्री कमोडिटीज़ में भी हमने ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली आते हुए देखी, बट ओवरऑल सुस्ती के बाद एक बढ़िया रिबाउंड आया है बाजार में। इकोनॉमिक डेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस जता रहा है, देखना पड़ेगा इस पर बाजार आज और आगे रिएक्ट करते हैं या नहीं। ओके, कल हमने भी तगड़ी मूवमेंट हमारे मार्केट्स में देखी है, तो अब देखना होगा कि इन क्यूज को हमारे मार्केट आज कैसे बचाते हैं। धन्यवाद दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब आपको बता देते हैं कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो हमने अच्छी खरीदारी तो कैश स्पेस में FIIs की तरफ से देखी है, लेकिन उसके ठीक विपरीत आप कह सकते हैं उसी अनुपात में बिकवाली हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है, जिन्होंने तकरीबन आप कह सकते हैं 2,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पर दर्ज की है। तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत आज हम देख रहे हैं वेंसडे मॉर्निंग मिल रहे हैं जो कि तगड़े हैं, अच्छे हैं, उन सब के बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारा प्रदर्शन कल अच्छा रहा, आज क्यूज अच्छे आ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, और हमारी जो एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी वो भी एक दिन से खिसक गई है, आगे आ गई है, आज ही होगी। सर इन सब के मद्देनजर आज हमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग, देखिए इनसे मतलब तो क्या आप उम्मीद करने मंथली एक्सपायरी ग्रीन का भी अच्छे ट्रिगर्स आपके सामने हैं। वैसे तो कल की शानदार रिकवरी और 18,800 क्लोजिंग से बाद जोश है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा है। दो दिनों से मिड कैप स्मॉल कैप शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और FIIs की तरफ से भी वापस से खरीदारी के आंकड़े आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। कल आपने देखा था थोड़ा उन्होंने बिकवाली से हाथ धोकर था, आज जो हम कल के फिशिंग के आंकड़े देखे वो बेहद दमदार खरीदारी के, चाहे वो कैश मार्केट में हो चाहे वायदा कारोबार में, इन सब के दम पर हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और 18,887 के आसपास का जो लाइफ आई है लगभग उनके आसपास पहुंचने की कोशिश निश्चित कर सकता है ये साफ संकेत है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, 6 दिनों से लगातार कमजोर रहने के बाद अमेरिकी बाजारों में रिकवरी आई है। हालांकि मैं अमेरिकी बाजारों की तेजी की तो बहुत एक्साइट है क्योंकि वहां पर 6 दिनों से लगातार घट रहे थे, तो एक टेक्निकल रिकवरी बननी थी वो आती हुई दिखी है, देखते हैं आज और कितनी मजबूती वहां बन पाती है। जहां तक भारतीय बाजारों का सवाल है, हम मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। सपोर्ट रेंज आपके लिए अब चुनौती दिखेगी नीचे की तरफ, 18,690 से 18,755 बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आज मंथली एक्सपायरी के दिन, और ऊपरी स्तर पर 18,850 से लेकर 18,900 के रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होगी, और उसके बाद देखेंगे लाइफ हाई के पार निकल कर टिकते तो फिर कुछ नए लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 43,825 43,975 ये 150 पॉइंट की रेंज आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और बैंक निफ्टी भी फिर से पुराने लाइफ हाई 44,500 के नजदीक जाने की कोशिश कर सकता है, 44,350 44,500 ये आपके लिए ऊपर की रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी की जाने की कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल तेजी के रुझान के साथ बाजार में बने रहना चाहिए। सिर्फ थोड़ा सा एक ही सावधानी वाला मामला है कि फुटबॉल रेशियो निफ्टी पर काफी हायर साइड पर है, तो थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की एक संभावना आज मंथली एक्सपायरी के दिन रहेगी, अदरवाइज सारा मोर माहौल अच्छा है। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच। मिडवीक इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने यहाँ पर एक क्लैरिटी दे दी कि एक मूड माहौल अच्छा रहने वाला है और बायस जो है मजबूती का ही रहेगा। दोनों इंडीसेज में निफ्टी बैंक निफ्टी में आप रिकॉर्ड हाई लेवल्स की उम्मीद रख सकते हैं। 18,690 से 18,755 निफ्टी के लिए एक तगड़ा सपोर्ट रेंज साबित हो सकती है, और 18,850 से 18,950 यहां पर कुछ रेजिस्टेंस दिख सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी इन स्तरों पर देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 43,825 से 9,975 सहारा देने वाली बैंड यहां पर दिखेगी, और ऊपर 44,500 तक का लेवल बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के लिए तो कुछ अच्छे संकेत बनते दिख रहे हैं, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स के लिए किस प्रकार के ट्रिगर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पूरी डिटेल लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहां है आज एक्शन? तो मॉर्निंग नेहा, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में सबसे पहला ट्रिगर तो ये है कि आज छुट्टी नहीं है, तो FNO की आज एक्सपायरी होने वाली है, और FNO की एक्सपायरी होने वाली है, और एक स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज,
इसका एफएनओ में आज आखिरी दिन है, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। दूसरा, सेबी बोर्ड की बैठक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 5:30 बजे। बीपीसीएल बोर्ड की बैठक है, पूंजी जुटाने पे ये विचार करेंगे। एमसीएक्स बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे विचार होने वाला है। एचबीएल पावर सिस्टम, यहाँ बोर्ड मीटिंग है, स्लम सेल के जरिए 2 प्रोडक्ट्स जो है उसको बेचने पे विचार करेंगे। आईपीओस जो धमाकेदार चल रहे हैं, आइडिया फोज दूसरे दिन तक 13.36% जो है इसका ओवरऑल आईपीओ भर चुका है। इसके अलावा रिटेल का हिस्सा जो है 36.79 टाइम्स भरा है। आज आखिरी दिन हो सकता है, इस आखिरी दिन ही है बेसिकली इसका आईपीओ का। साइन डीएलएम पहले दिन अगर आप देखेंगे तो कुल 2.85 टाइम्स जो है भर चुका है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन 10.62 टाइम्स के आसपास का था। आज सेकेंड डे है इस कंपनी के आईपीओ का। अब खबरों के चलते सबसे पहले तो बीएसई लिमिटेड पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि एनएसई ने जो बैंक निफ्टी की ये एक्सपायरी पहले बोला था इन्होंने कि फ्राइडे को हम शिफ्ट करने वाले हैं, वो अब फ्राइडे को शिफ्ट नहीं होगी, बल्कि गुरुवार को ही एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी की होने वाली है। बीएससी के डेरिवेटिव सेगमेंट जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कदम जो है उठाया गया है। बीएससी के बैंक एक्स और सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। डेरिवेटिव्स में जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है उसको कम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एनएससी का ये कदम जो है बीएससी लिमिटेड के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, कल आपको याद होगा जो खबर आई थी कि 1 जुलाई से मर्जर इफेक्टिव हो जाएगा, 13 जुलाई से जो एचडीएफसी लिमिटेड है उसमें ट्रेडिंग बंद होगी। इस पे एचडीएफसी ने सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि जो 1 तारीख की डेट आ रही है ये संभावित डेट है, ये अभी फिक्स नहीं है, और 13 जुलाई की जो बात की जा रही है एचडीएफसी लिमिटेड का आखिरी दिन होगा ये फिलहाल तय नहीं है। तो एक क्लेरिफिकेशन इन्होंने दिया, देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है आज एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि कल इस खबर के बाद दोनों स्टॉक्स में तेज़ी हुई थी। वहीं दीपक पारेख जी जो है वो एचडीएफसी के चेयरमैन पद से स्टेप डाउन करेंगे मर्जर के बाद, ये भी खबर है। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पे जो एचडीएफसी क्रेडिला में हाल ही में इन्होंने स्टेक बेचा था उसको नए ग्राहक जोड़ने के लिए अनुमति मिल चुकी है। आरबीआई ने नए ग्राहक जोड़ने के लिए अनुमति दी है, हालांकि कुछ शर्तें हैं जिसके साथ ये उसमें अपना जो ओवरऑल ग्राहक है वो जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एचडीएफसी ने एचडीएफसी लाइफ में 1.49 करोड़ शेयर जो है वो खरीद लिए हैं, 667 के भाव में खरीदे गए हैं। ट्रू नॉर्थ कॉर्पोरेट ने करीब 1.2 लाख एनसीडीज जो है शेयर बेचे हैं, 28.1% से हिस्सेदारी जो है वो कम हुई है। टीटागर रेल सिस्टम, इनको 857 क्रोस के गुजरात मेट्रो से एलओए मिला है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हेड ऑफिस में इनकम टैक्स चेन्नई विभाग के स्पॉट वेरिफिकेशन जो है वो जारी है, ये कंपनी ने कहा है। कुल ब्लॉक और बल डील जो हुई थी, सफायर फूड्स में WWD रूबी लिमिटेड ने 4.77% हिस्सेदारी बेची है 1377 के भाव पे। बायस में आदित्य बिरला सनलाइफ, फिडेलिटी, ये तमाम फंड शामिल है। इसके अलावा प्रमोटर एक्शन में रोलेक्स रिंग्स में प्रमोटर्स ने करीब करीब 2.38% हिस्सेदारी घटाई है, और जाइडस वेलनेस में प्रमोटर जाइडस फैमिली ट्रस्ट ने 2.59 लाख शेयर जो है वो खरीद लिए हैं। ऑलराइट, चलिए ये वो खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की क्या व्यू बन रही है, क्या राय है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। आन राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, मॉर्निंग, आज बहुत सारी खबरें जिनके दम पर एक्शन दिखेगा। पहले तो एचडीएफसी समूह, जिस तरह की क्लैरिटी अब निकल कर आई है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को लेकर, इनके मर्जर से जुड़ी काफी सफाइयां कल निकल कर आई, जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने दोनों ही स्टॉक्स में देखी, आज आपकी क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, एचडीएफसी बैंक कल अगर बात करें तो जिस हिसाब से 1.4-1.5% से ऊपर बंद हुआ, मुझे लगता है जो आज क्लैरिटी आई है एक दो चीज की, जो डेट को लेकर टेंटेटिवनेस इन्होंने दिखाया है, तो उससे थोड़ा बहुत बाजार को तकलीफ हो सकती है। देखिए, बाजार को कभी भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि साइडवेज टू प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही पॉजिटिव है दोनों ही स्टॉक। अगर एचडीएफसी ट्विंस की बात करें तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन थोड़ा सा नरम हो सकता है, बट ओवरऑल यहाँ से 1700-1750 तक की भी जगह एचडीएफसी बैंक में दिखाई देती है। जिन्होंने पोजीशन ले रखी है उनको होल्ड बिल्कुल करना चाहिए 1700-1750 लेवल की, यहाँ पर बात जारी है। ओके, चलिए साथ ही मेहुल जी ये भी बता दीजिए कि आपको आज के मार्केट के लिए क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही हैं? देखिए, मेरा आज भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का ही व्यू है, और दो स्टॉक हमने चुने हैं, वो है फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल, 1250 के करीब इसको बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 1195 का, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है तो टारगेट अपसाइड का रहेगा 1350 का।
ये हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक हो गया पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा हमने ऑलरेडी एचपीएल में लॉन्ग टर्म में कवर किया है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, बट यहाँ से फिर से शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा बाय बन रहा है। 335 के पास इसको बाय करना है पीएनसी इंफ्रा को। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 325 का और अपसाइड टारगेट रहेगा 355 का। चलिए थैंक यू मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी मार्केट में कहां कहां है नजर, कहां होंगे कमाई के मौके। बजाज इलेक्ट्रिकल 1350 के टारगेट के लिए करें खरीदारी और पीएनसी इंफ्रा पर रखें नजर। 365 तक का अपसाइड टारगेट बनेगा, 335 की एंट्री, 325 का स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना है। आइए एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। आज कैबिनेट सीसीईए की अहम बैठक होने वाली है। अब इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसकी पूरी जानकारी लेकर मेरे सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण मॉर्निंग, आप इस पूरी मीटिंग को कवर करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ से? बिल्कुल, दो मेजर मिनिस्ट्रीज की सीसीए के अंदर एजेंडा है। पहला है पीएम प्रणाम को लेकर, बजट के अंदर अनाउंसमेंट आया था कि यदि आप जो यदि फर्टिलाइजर का उपयोग, यदि जो यूरिया का उपयोग यदि कम करते हैं और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का यूज यदि ज्यादा करते हैं तो जो पैसा आप स्टेट्स बचाएंगे उसका 50% वापस सेंट्रल स्टेट को दे देंगी। ये पीएम प्रणाम का एक योजना है। उस योजना पे आज हो सकता है कि सीसीए और कैबिनेट फैसला ले लें। आज सुबह 10:30 बजे ये बैठक होने वाली है। दूसरा जो बड़ा फैसला हो सकता है वो है पावर सेक्टर्स के लिए। पावर मंत्रालय का एक एजेंडा है, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड। उस करीबन 15,000 करोड़ का पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड को मंजूरी यहाँ पे मिल सकती है। पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड 2010 में स्टार्ट किया गया था, 2014 के करीब उसको नोटिफाई किया गया। और ये जो पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड है ये बेसिकली जो ग्रिड को स्ट्रेंथन करने, ट्रांसमिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस फंड को आज यहाँ पे सीसीए मंजूरी दे सकता है। तो ये दो बड़े एजेंडा आज सीसीए और कैबिनेट के बीच में है और उम्मीद ये की जा रही है कि दोनों पे ही अप्रूवल मिल जाए। तो 10:30 बजे ये मीटिंग होगी, करीबन 11:30-12 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि किस किस मुद्दों पे आज कैबिनेट सीसीए ने अपनी मंजूरी दी। तो चलिए, तो दो बड़े स्पेसेस हैं, पावर स्पेस और फर्टिलाइजर स्पेस, इस पर हमारी खास नजर रहने वाली है। एंड ऑफकोर्स तरुण की नजर रहेगी इस बैठक पर, इसकी जो भी डिटेल होगी वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद तरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। मौजूदा बाजार की रणनीति समझते हैं और हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, मेटल्स पर आज पहले फोकस करेंगे क्योंकि कॉपर को छोड़कर सारे मेटल्स ने अच्छा खासा कमबैक दिखाया है, तो जरा बताइए कैसे इसे प्ले किया जाए। गुड मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल, कल जो यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े वो बेहतर आए थे, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो डेढ़ वर्ष को चित्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। साथ ही जो न्यू होम सेल्स के नंबर्स है वहां भी अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी, जिसके चलते बेस मेटल्स में जो है बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे अभी यूएस इकोनॉमिक डेटा के साथ फिर एक बार ये चिंता भी उभरती हुई नजर आई है कि यूएस यहाँ फर्दर जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। तो हमारा मानना है कि ऊपरी लेवल पर फिर एक बार बेस मेटल्स में जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहाँ ऊपरी स्तरों पर बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि इंट्राडे में आज जिंक जुलाई वायदा में अगर 217 के स्तर मिलते हैं तो फिर शॉर्ट जाने की सलाह रहेगी। 220 का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 212 के लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। ऊपरी लेवल पर फिर एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो बेस मेटल्स की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं। तेल पर क्या व्यू बनेगा, दो हफ्ते के लोस पर फिर आ गए, मतलब जितनी स्ट्रेंथ थी पिछले 10 दिनों की वो घुमा फिरा के वहीं आ गए। कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हैं? मैं कच्चे तेल की बात कर रही हूँ। कच्चा तेल, हाँ बिल्कुल, कच्चे तेल में भी वो डिमांड को लेकर के कंसर्न है। लेकिन कल जो यूएस अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कच्चे तेल की इन्वेंट्री में गत सप्ताह फिर यूएस में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो नंबर्स है वो काफी बेहतर आए हैं, तो निचले स्तरों से आज फिर एक बार शॉर्ट कवरिंग जो है कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजारों में जो कच्चा तेल जुलाई वायदा है वहाँ 5,570 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 5,520 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 5,660 का लेकर के चल सकते हैं। ऑलराइट,
बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन कमोडिटीज में आज कमाई के मौके नजर आ रहे हैं। तो जिंक शॉर्ट करके चलने की सलाह है, लेकिन कच्चा तेल शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बाय बनती है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FIR इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज किन स्टॉक्स पर है। वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो L&T यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है जहाँ पे ये आउट परफॉर्मर का कॉल जो है वो तो बरकरार रख रहे हैं, लेकिन अपना लक्ष्य इन्होंने करीब करीब 300 रुपये से बढ़ा दिया है, 2452 से बढ़ा के अब 2734 का लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे दे रहे हैं, यानी कि इन लेवल से अच्छा खासा अपसाइड है। ITC पे जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट 10 रुपये बढ़ाया है, 520 से बढ़ा के इन्होंने 530 का कर दिया है। और आखिरी में HDFC बैंक जो कि सुर्खियों में भी है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मर का कॉल है 2300 रुपये के लक्ष्य के साथ। चलिए, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिन पर है फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर और कमाई के बेहतरीन मौके यहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए इसी के साथ पाव ब्रेकफास्ट को करते हैं रैप अप, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।